हेलो एवरी वन एंड वेरी वोम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ क्विक रिविजन लेक्चर नंबर फाइव एंड इसके अंदर मैंने दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं एक तो ऑल इंडिया सर्वे जो था फॉर रिलेटेड टू जिसको आप एज सर्विस बोलते हो उसके जो फाइंडिंग्स थे वो डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू एजुकेशन जो सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और एक मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स को डिस्कस करूँगा सारे नहीं कुछ को डिस्कस करूंगा और ऐसे ही थोड़े थोड़े अमेंडमेंट एक्ट जो है अगले दो वीडियोस के अंदर भी आएंगे तो कॉम्प्रीहेंसिवली आपके अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे और राइट एंड गाइज चैनल को जितना हो सके आपने शेयर करना है सब्सक्राइब करना है देखो कंट्रीब्यूट करने के अब आपके तीन तरीके हैं टूवर्ड्स दिस चैनल दैट इफ यू फील दैट दिस चैनल इज डूइंग गुड दिस टीचर इज डूइंग गुड टू यू ठीक है तो जैसे हमारे देश में होती है ना गुरु को कुछ ना कुछ तो आपको देना है तो आप तीन तरीके से कंट्रीब्यूट जरूर करें आप चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें रीच जितनी ज़्यादा इंक्रीज करवा सकें करने में हेल्प करें यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली क्योंकि फाइनेंसेज देखो कुछ लोग इसको कहेंगे सर लालची हो रहे हो लालच की बात नहीं है बेटा अगर बड़ा बनना है मैं तो खुल कर के बोलता हूँ दैट आई वॉन्ट टू टेक द चैनल टू द मासेस जितना हो सके और उसके लिए पैसा भी लगता है है ना तो अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है तो उसके लिए भी जो आपका एक यूट्यूब वीडियो नीचे, के नीचे आपका एक सुपर थैंक्स करके वहां पर जाकर के आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओके चलिए सो एश ट्वेंटी ट्वेंटी वन की हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट रिलीज करता है नोन एज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन और बीस इक्कीस से रिलेटेड डाटा भी रिलीज किया है ये सर्वे 2011 से मिनिस्ट्री कंडक्ट uh, कर रही है जिसमें सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर किया जाता है इंडिया के विद इन इंडिया जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं एंड डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है लाइब्रेरी है, 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 और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो की फाइंडिंग हमें देखनी है मेनली एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डाटा नहीं याद करना है एनालिसिस देखना है तो सबसे पहले टोटल एनरोलमेंट टोटल एनरोलमेंट अब देखो यहाँ पर गिवन है कि फोर करोड़ था बीस में उन्नीस uh, बीस के मुकाबले बड़ा है थ्री पॉइंट एट फोर था ये याद नहीं करना ठीक है लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर ये यह पॉइंट है ना कि सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन जो इंक्रीज हुआ है वो अराउंड सेवेंटी टू लैख का हुआ है अब देखो सरकार जिसकी होती है तो वो रिपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी हर जगह हाईलाइट करने की कोशिश करता है क्योंकि चौदह में जो करंट गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई थी पहली बार इसी वजह से वो चौदह पंद्रह के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो चौदह पंद्रह के मुकाबले अगर आप देखो तो एनरोलमेंट ट्वेंटी बढ़ा है तो एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है फीमेल एनरोलमेंट भी आपको इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा फीमेल एनरोलमेंट के अंदर भी इंक्रीज है टू पॉइंट जीरो याद करने की जरूरत नहीं है बट ये आपको याद रखना है कि 2014-15 के मुकाबले 28 परसेंट फीमेल एनरोलमेंट में इंक्रीज देखने को मिला सिमिलरली अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट टू टोटल एनरोलमेंट परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट टू टोटल एनरोलमेंट का क्या मतलब हो गया कि अगर 100 बच्चे एनरोल हो रहे हैं तो 100 में से फीमेल कितने हैं 2014-15 में इट वाज़ 45 परसेंट यानी कि अगर 100 बच्चे एनरोल हो रहे थे तो उसमें से 45 फीमेल थी बट अब इसका नंबर बढ़ करके 49 परसेंट हो गया है अगेन ये याद आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा अगर हम बात करें 2011 के पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के हिसाब से 18 से 23 साल के एज ग्रुप के लिए जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है वो भी इंक्रीज हुआ है 27.3 हो गया 25 है 25.6 से अगेन ये नंबर एज इट इज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है 1.9 का आपको इंक्रीज़ देखने को मिलता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट में जो मेन पॉइंट है आपने जो याद रखना है वो है रिलेटेड टू जेंडर पैरिटी इंडेक्स जेंडर पैरिटी इंडेक्स में बेसिकली हम देखते हैं कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रेट है उसमें फीमेल और मेल रेशियो क्या है तो 2017-18 में हमारा ग्रॉ जेंडर पैरिटी इंडेक्स था वन यानी कि इक्वल था जितनी महिलाएं उतने बॉयज का ग्रॉस एनरोलमेंट हो रहा था तो इक्वालिटी थी लेकिन अब ये बढ़कर करके 1.05 हो गया ये 1.05 आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यानी कि एनरोलमेंट में जो नंबर ऑफ फीमेल्स है दैट इज मोर देन नंबर ऑफ मेल्स उसके बाद स्टूडेंट एनरोलमेंट की अगर हम बात करें एससी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है नंबर ये याद रखने की जरूरत नहीं है एस टी स्टूडेंट एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं वो स्टेटमेंट डाल देगा दैट एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एस सी स्टूडेंट एनरोलमेंट इंक्रीज एस टी स्टूडेंट एनरोलमेंट डिक्रीज तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया ठीक है उसके बाद जी एनुअल एवरेज एनुअल एनरोलमेंट अगर हम बात करें एस टी स्टूडेंट्स का केस में तो वो भी इंक्रीज हुआ है दो हजार चौदह पंद्रह में इट वॉज वन लैख ठीक है सेवेंटी फाइव थाउजेंड था उस पीरियड में सेवेंटी फाइव थाउजेंड था आपका टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन के अंदर ओके okay? उसके बाद अब दो हजार चौदह पंद्रह से बीस इक्कीस देखो तो एक लाख के पास पहुंच गया ओबीसी एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है ये सारे सिर्फ आपने जो पॉइंटर्स है ना वो याद रखने हैं कि भाई एसटी टी एनरोलमेंट इंक्रीज हो गया एससी एनरोलमेंट इंक्रीज हो गया एवरेज एनुअल एनरोलमेंट ऑफ एसटी इंक्रीज हो गया एनरोलमेंट ऑफ ओबीसी इंक्रीज हो गया ठीक है 2014-15 के मुकाबले 32 परसेंट इंक्रीज हुआ है अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स की बात करें तो वहां पर भी एनरोलमेंट के अंदर इंक्रीज देखने को मिला ये डाटा एस सच याद करने की जरूरत नहीं है उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फीमेल एनरोलमेंट uh, था दैट इज़ हायर देन मेल एनरोलमेंट अगेन ये डाटा सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपने बस ये याद रखना है कि फीमेल एनरोलमेंट इज़ मोर देन मेल एनरोलमेंट ओके देन एनरोलमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो भी इंक्रीज़ uh, हुआ है ओके okay? वो भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है अराउंड सेवन परसेंट का इंक्रीज़ है नाइनटीन ट्वेंटी के मुकाबले और दो हज़ार चौदह पंद्रह के मुकाबले बीस परसेंट इंक्रीज़ है अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको थोड़े से फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर हम टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल हुए हैं यूपी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल हुए ये याद रखना है ये डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछ सकता है सेकेंड महाराष्ट्र थर्ड तमिलनाडु पर जाता नहीं है इतना अंदर वो टॉप वाला ही पूछेगा ओके okay. उसके बाद जी जो टोटल हमने सर्वे किया सर्वे के अंदर 79.06 नाइन बच्चे वो थे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे थे और 11.5 पोस्ट ग्रेजुएट पे थे ठीक है तो ज्यादा ग्रेजुएशन के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं अगेन ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है अंडर ग्रेजुएट लेवल में हाइएस्ट एनरोलमेंट जो है वो इंडिया के अंदर आर्ट्स में है फॉलोड बाई साइंस भारत सरकार कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही है कि कैसे इस साइंस वाले परसेंटेज को बढ़ाया जाए तो सबसे ज्यादा आर्ट्स में है, उसके बाद साइंस फिर कॉमर्स और लास्ट में आता है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो साइंस और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमें बढ़ाना है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के अंदर भी जो मैक्सिमम एनरोलमेंट है वो सोशल साइंसेस के अंदर है फॉलोड बाय साइंस ओके वो डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ सकता है कि कौन से डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है ओके उसके बाद अगर हम बात करें ऑफ द टोटल एनरोलमेंट ऑफ 55 फाइव पॉइंट फाइव लाख स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम जिसमें से महिलाएं जो है दिस इज ट्वेंटी तो साइंस स्ट्रीम के अंदर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स आपको देखने को मिलेगा कि फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं अराउंड फिफ्टी नाइन यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं अगर पूरे देश में सौ यूनिवर्सिटीज हैं तो फिफ्टी नाइन गवर्नमेंट हैं जिसके अंदर अराउंड पूरे देश का सेवेंटी थ्री पॉइंट वन परसेंट एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस पूरे देश के मुकाबले ट्वेंटी वन पॉइंट फोर परसेंट हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें थर्टी फोर पॉइंट फाइव परसेंट एनरोलमेंट जा रहा है तो यूनिवर्सिटीज़ के केस में तो मेजर एनरोलमेंट सरकारी में जा रहा है बट कॉलेज के केस में मेजर एनरोलमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जा रहा है ओके okay, जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उसके अंदर भी एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है सिक्सटी वन परसेंट से क्योंकि वेरियस नए कॉलेजेस वेरियस नई सीट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है स्पेशलाइज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो डिफेंस संस्कृत बायोटेक फॉरेंसिक वगैरह से रिलेटेड है नेक्स्ट है जी पास आउट्स की बात करें तो पास आउट्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर लैख पास आउट्स थे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज बस ये याद रखने हैं ये आप अपने पास चाहे लिख लो कि इंक्रीज डिक्रीज लिख लो ये नंबर में कोई नहीं पूछने वाला डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की बात करें तो नाइन्टी सेवन परसेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लाइब्रेरी अवेलेबिलिटी है एटी एट परसेंट में लेबोरेटरीज है कंप्यूटर साइंसेज में भी कंप्यूटर सेंटर्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है नाइन्टी वन परसेंट ये पहले एटी सिक्स परसेंट था स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में इंक्रीज़ देखने को मिला है कनेक्टिविटी टू नेशनल नॉलेज नेटवर्क में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है तो इंक्रीज़ अच्छा है हर जगह पर नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ और नंबर ऑफ कॉलेजेस दोनों के अंदर इंक्रीज़ देखने को मिला है नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यूनिवर्सिटीज़ uh, में तो 2014-15 के मुकाबले अराउंड 46.4 परसेंट का इंक्रीज़ है ये परसेंटेज थोड़ा सा याद रख सकते हो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी डबल हो गए हैं दो में सेवेंटी थे पीस में वन है 191 नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ओपन किया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज राजस्थान में है, ये याद रखेंगे फॉलोड बाई यूपी एंड गुजरात सत्रह ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है जिसमें से चौदह तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है और फोर थ्री सेवन फाइव ऐसे कॉलेजेस हैं जो वुमेन के लिए एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा पॉइंट कॉलेज डेंसिटी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेसिकली कॉलेज पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन पर लाख कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए कितने कॉलेज हैं ठीक है एटीन टू ट्वेंटी थ्री एज में तो इंडिया के अंदर जो कॉलेज डेंसिटी है दैट इज थर्टी वन यानी कि हमारे यहाँ पर इकतीस कॉलेज हैं एक लाख बच्चों के लिए ये दो हजार चौदह पंद्रह में सत्ताईस होता था तो इकतीस है ये डायरेक्टली पूछ सकता है पेपर में थर्टी वन याद रखना है ओके okay, सबसे ज्यादा कॉलेज डेंसिटी कर्नाटका के अंदर है सिक्सटी टू कॉलेजेस फॉर वन लाख स्टूडेंट्स ये भी आप ध्यान में रखेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस में डिस्ट्रिक्ट वाइज बेंगलोर जो अर्बन एरिया है वहां पर आपको सबसे ज्यादा कॉलेजेस देखने को मिलते हैं अराउंड वन जीरो फाइव एट कॉलेजेस है ठीक है और स्टेट्स uh, की बात करें तो स्टेट्स में uh, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं फोर्टी थ्री परसेंट यूनिवर्सिटीज और सिक्सटी वन पॉइंट फोर परसेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज तो अर्बन एरियाज में है बट कॉलेज के मामले में रूरल एरियाज के अंदर परसेंटेज जो है वो है वो ज्यादा फैकल्टी की बात करें तो ये आपका नंबर है फैकल्टी का याद करने की जरूरत नहीं है इसमें से मेनली आपने ध्यान में देना है कि हायर एजुकेशन के अंदर फिफ्टी सेवन पॉइंट वन परसेंट मेल है फोर्टी टू पॉइंट नाइन परसेंट फीमेल है ये उल्टा देखने को मिलता है जब हम स्कूल लेवल एजुकेशन पे जा जाते हैं फीमेल मतलब पर teachers मेल फैकल्टी तो उसके मुकाबले टू female teachers हैं ट्वेंटी फोर बेसिकली करंटली दो हजार चौदह पंद्रह में ये सिक्सटी थ्री था उन्नीस बीस में सेवेंटी फोर था तो यहाँ पर भी इक्वालिटी लाने की कंटिन्यूसली कोशिश की जा रही है तो थोड़ा एनालिटिकल एरिया है यहां पर डाटा को याद करने पे फोकस मत कीजिएगा फोकस कीजिएगा क्या बढ़ा है क्या घटा है अमेंडमेंट्स के ऊपर आ जाओ तो कुछ हम थर्टी uh, अमेंडमेंट तक आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे 36th और अमेंडमेंट ठीक है तो देखते हैं क्या क्या है सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के uh, अपलिफ्टमेंट के लिए ठीक है सर्टन लॉज जो स्टेट एक्विजिशन कर रहे थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर कानून बनाए जिसके लिए नाइन्थ शेड्यूल एड किया गया था ठीक है और नाइन्थ शेड्यूल के अंदर कोई भी कानून आ गया तो उसको जुडिशियल रिव्यू से बेसिकली सरकार प्रोटेक्ट कर सकती थी आर्टिकल थर्टी वन थर्टी वन ए और थर्टी वन बी इंसर्ट किए गए थे डायरेक्टली पेपर में वो पूछ सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है ना उन रेस्ट्रिक्शन में फर्स्ट अमेंडमेंट से तीन और ग्राउंड एड किए गए थे जिसमें था आपका पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तो ये तीन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से एड किए गए थे काफी इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए नेक्स्ट था जी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ये बोल दिया कि ये सरकार के ऊपर है कि वो किसी भी ट्रेड या बिजनेस को नेशनलाइज कर सकती है ठीक है और उसको फिर आप इनवैलिड नहीं बोल सकते कि भाई हमारा राइट वायलेट हो गया कि हमारे पास तो राइट था कि हम कोई भी धंधा करें ठीक है स्टेट के पास पावर है कि वो किसी भी ट्रेड को नेशनलाइजेशन कर सकती है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो गया नाइन्थ शेड्यूल इंसर्ट कर दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे तीन और ग्राउंड लगा दिए रोक के पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि नेशनलाइजेशन अगर स्टेट कर रही है तो उसमें फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा कोई अधिकार वॉलेट हो रहा है फोर्थ अमेंडमेंट के ऊपर आ जाओ जी अब कंपलसरी एक्विजिशन अगर सरकार कर रही है तो इन्होंने बोला कि जितना कंपेन्सेशन हमने दिया है बंदे को वो उतने में खुश रहे और वो कोर्ट में नहीं जाएगा कि मेरा कंपनसेशन कम है तो स्क्रूटिनी ऑफ कोर्ट से उसको बाहर कर दिया स्टेट किसी भी ट्रेड को नेशनलाइज कर सकती है नाइन्थ शेड्यूल के अंदर और बहुत सारे एक्ट्स को ऐड किया गया स्कोप ऑफ आर्टिकल थर्टी वन ए को एक्सटेंड कर दिया मेनली इसके अंदर आपने पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि जो स्केल ऑफ कंपनसेशन है उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते सेवेंथ अमेंडमेंट में सेकंड और सेवंथ शेड्यूल को अमेंड किया गया था थोड़ा सा उसके अलावा पहले जो स्टेट्स की कैटेगरी बनी हुई थी ना चार कैटेगरी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी ठीक है उसको इन्होंने हटा दिया और चौदह स्टेट और छह यूनियन टेरिटरीज रह गए हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी एक्सटेंड कर दी जैसे अब आपका जो हाईकोर्ट है यूनियन टेरीटरीज के अलग से हाईकोर्ट नहीं है ना वो आसपास की जो स्टेट होती है उसको आप दे सकते हो ज्यूरिस्डिक्शन ओके उसके बाद कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का यह भी एक प्रोविजन ऐड किया गया एडिशनल और एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट किया जा सकता है तो मेनली हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड पर अमेंडमेंट में हुई थी ठीक है तो मेनली इसमें क्या क्या याद रखना है एक तो ये एबोलिशमेंट ऑफ पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी हाई कोर्ट की यूटी पे हाई कोर्ट एक से दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट भी हो सकता है और एडिशनल और एक्टिंग जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के टेंथ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दादरा नगर हवेली को आपकी यूटी बना दिया गया था पोर्टिगल से एक्वायर करने के बाद ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के फैक्चुअल वो पेपर में पूछ लेता है कि दादरा नगर एंड हवेली को यूटी किस अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया टेंथ अमेंडमेंट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट

किससे लिया था गोवा दमन को बताना गोवा और हमने हमने किससे लिया था था का जो है 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 नागालैंड को को दिया पूछ सकता है. 14th Amendment Act से को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था 1962 में फ्रेंच से लिया था हमने ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी को एथ शेड्यूल की पंद्रह लैंग्वेज बनाया गया था इंपॉर्टेंट है वो पूछ लेता है इस तरह के फैक्चुअल सवाल ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया कि पावर जो है ना पार्लियामेंट की ये एक्ट बोलता है कि पार्लियामेंट के पास हर तरह की पावर है कि वो किसी भी पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स और इसके लिए आर्टिकल तेरह और आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट को अमेंड किया गया था ठीक है ओके और साथ ही साथ ये प्रोविजन डाला गया कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो उस पर साइन कर दे ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं ध्यान में रखेंगे ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट कर्टेल कर दिया था पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट right में होता था उसके बाद सरकार ने बोला कि डीपीएसपी के जो दो आर्टिकल्स हैं थर्टी नाइन सबक्लॉस बी और थर्टी नाइन सबक्लॉज सी अगर उनको इफेक्ट देने के लिए सरकार कोई कानून बनाती है तो उन कानूनों को आप कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते ये बोल करके कि हमारा जो राइट है आर्टिकल फोर्टीन राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नाइनटीन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या आर्टिकल थर्टी वन हमारा किसी भी वे में वायलेट हो रहा है ठीक है तो अगर थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी को इफेक्ट देना है तो सरकार कानून बना सकती है और आप कोर्ट में नहीं जा सकते ट्वेंटी सिक्स अमेडमेंट एक्ट में प्राइवेट पर्सेज और प्रिविलेजेस जो है जो पहले राजा रजवाड़े होते थे उनको खत्म कर दिया नाइनटीन में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है थर्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई थी 525 से 545 जो आपकी करंटली है अब 2026 में भी सीटें बढ़ेंगी थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट से जो प्रोटेक्टरेट स्टेटस हमने सिक्किम को दिया हुआ था वो हमने कैंसिल कर दिया और हमने अब बोला कि सिक्किम जो है वो इंडियन यूनियन की एसोसिएट स्टेट है और हमने एक नया शेड्यूल भी बनाया जिसका नाम था टेंथ शेड्यूल इसके अंदर हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी कि कैसे इंडिया का और सिक्किम का क्या रिलेशनशिप रहेगा क्या एसोसिएशन होगा फिर एक साल बाद थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट आया इसमें हमने सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया और टेंथ शेड्यूल को फिर हमने हटा दिया जिसमें हमने इंडिया और सिक्किम के रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब किया था थर्टी एथ अमेंडमेंट एक्ट में एमरजेंसी अगर प्रेसिडेंशियल एमरजेंसी लगती है तो उसको नॉन जस्टिसबल यानी कि कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं रहेगा बॉडी बना दिया गया उसके बाद अगर प्रेजिडेंट गवर्नर या किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर कोई ऑर्डिनेंस लेकर के आता है